आज आप लोग को इस वीडियो में बेडशीट डिज़ाइन बनाकर दिखाने जा रही हूँ। तो ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसे कुछ भी बना सकते हैं, बेबी बेडशीट, सिंगल, डबल, कुछ भी बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से रख सकते हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हमने बनाकर बताया किस तरीके से बनता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप लोग को हम इस तरीके से बेडशीट डिज़ाइन बनाकर दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए हमने 3-4 कलर का कपड़ा लिया है। हमने ब्लैक लिया है, वाइट लिया है, ग्रीन लिया है, रेड लिया है। तो ब्लैक वाला पट्टी हमें बाद में यूज करना है, तो इसके लिए हमने 3 कलर का लिया है। तो देखिए 4.5 इंच लंबाई, 4.5 इंच चौड़ाई। हमने व्हाइट वाला पीसेस लिया है, ये 4 पीसेस है। ग्रीन वाला हमने 4.5 इंच लंबाई, 4.5 इंच चौड़ाई, चारों तरफ से बराबर है, हमने 4 पीसेस लिया है। रेड वाला हमने 4 पीसेस लिया है, ये भी सेम है और 4.5 इंच लंबाई चौड़ाई। और ये वाला जो हमने व्हाइट वाला लिया है, ये 4 इंच लंबाई, 4 इंच चौड़ाई है, 4 पीसेस ये भी है। तो देखिए जो ग्रीन वाला पीसेस है उसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेंगे और बराबर कर बीच से कट कर देंगे। व्हाइट वाला कट कर देंगे, रेड वाला कट कर देंगे और ग्रीन वाला कट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम पीसेस को कट कर देंगे, जितना भी हमारा पीसेस है पूरे पीसेस को इस तरीके से कटिंग कर देंगे। तो देखिए जितना भी पीसेस था हमने कट कर लिया। तो एक ग्रीन लेंगे और एक रेड लेंगे और अच्छे तरीके से हम बराबर कर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने सिलाई कर लिया है और दूसरा पीस भी इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा 4 पीसेस में हमें इसको करना है, एक ग्रीन और एक रेड, एक ग्रीन और एक रेड। तो 4 पीसेस में हमें इस तरीके से कर लेना है। तो देखिए हमने सिलाई कर लिया, 4 पीसेस में ये हमारा आया है, एक रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन। तो देखिए इसको हमने सिलाई कर कट कर लिया है, तो इसको हम साइड में कर दे रहे हैं। और फिर हम लेंगे एक वाइट, एक ग्रीन, तो इसको भी हम इसी तरीके से सेम करेंगे। जितना भी हमारा 4 पीसेस में इसको भी करना है, वाइट और ग्रीन, फिर एक ग्रीन लेंगे, एक वाइट लेंगे, इसी तरीके से पूरा पीसेस जितना भी हमारा है पूरा हम तैयार कर लेंगे। एक पीसेस इसी तरीके से कर जितना भी हमारा पीसेस है पूरे पीसेस को इस तरीके से तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमने वाइट वाला भी 4 पीसेस में कट कर लिया है, ग्रीन और वाइट, तो इसको भी हम साइड में कर देंगे। और फिर हम रेड लेंगे, वाइट लेंगे, इसको भी दोनों को आपस में मिलाते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो जितना भी हमारा पीसेस है ये भी कटा हुआ 4 पीसेस में इसको भी करना है। तो देखिए वाइट लिया हमने और रेड लिया, फिर हमने वाइट लिया और रेड लिया, जितना भी हमारा है इसको भी हम सेम इस तरीके से करेंगे, वाइट रेड। ये देखिए इस तरीके से हमें, तो देखिए हमने सिलाई कर लिया, अब एक एक कर हम कट कर देंगे। तो हमने देखिए कटिंग भी कर दिया, सिलाई कर दिया, तो ये हमारा पूरा पीसेस आ गया। तो जो हमने ग्रीन और रेड का हमने सिलाई किया था, तो उसको दोनों को आपस में मिलाकर हमें इस तरीके से सिलाई करना है। जिस तरीके से हमारा, जिस साइड हमारा ग्रीन वाला रहेगा उस साइड हमें रेड वाला रखना है, और जिस साइड हमारा रेड वाला रहेगा उस साइड हमें ग्रीन वाला रखना है। देखिए सेम इस तरीके से दोनों पीसेस को आपस में मिलाते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो एक पीसेस हमने सिलाई कर लिया, ये दूसरा भी हम सिलाई कर रहे हैं। इस तरीके से हम दूसरा भी पीसेस को सिलाई कर रहे हैं। तो हमने सिलाई कर लिया, अब इसको हम कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से ये हमने कटिंग कर दिया दोनों पीसेस को, अब दोनों को आपस में मिलाते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इसको भी हम अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई कर लेंगे दोनों को आपस में मिलाते हुए। इस साइड भी हमारा, जिस साइड हमारा रेड रहेगा उस साइड हमें ग्रीन को रखना है। तो देखिए हमने सिलाई कर लिया, ये बीच का हमारा पट्टी तैयार हो गया। तो देखिए ये हमें ग्रीन लेना है और फिर हमें रेड लेना है। ये देखिए इस तरीके से दोनों को आपस में मिलाते हुए हमें सिलाई कर लेना है। पहले हम रख कर थोड़ा सा अपने हिसाब से कर लेंगे कि हमारा किस तरीके से आता है सही पर या नहीं, तो फिर हम उसको उसी तरीके से रख कर पीसेस को चले जाएंगे सिलाई करते हुए। तो देखिए इस तरीके से, आई होप आप लोग को हम बता देते हैं अच्छे तरीके से कि आप लोग के समझ में आ जाए। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा बात हम बता देते हैं किस तरीके से हमें रखना है, अगर आपको ना समझ आए तो क्या कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप पहले रख कर देख सकते हैं कि हमारा सही पर आ रहा है या नहीं। तो देखिए हमारा, तो हमने इस तरीके से कर लिया तो हमारा सही है। तो हमने ग्रीन के साइड हमें ग्रीन को रखना है और रेड के साइड रेड को। तो इस साइड हमने ये देखिए सिलाई कर लिया दोनों को आपस में मिलाते हुए। तो इस साइड भी ये वाला जो हमने पट्टी तैयार किया था इसको भी हम रख लेंगे दोनों को आपस में मिलाते हुए। इस साइड भी हम ये सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई कर लिया है, ये हमारा इस तरीके से आया है।
और अब ये जो हमने ये वाला पीसेस को लिया था इसको हम इस तरीके से रखेंगे। देखिए ये ग्रीन और वाइट, तो वाइट को वाइट की साइड में मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने इस साइड सिलाई कर लिया ये वाला पीसेस को, ये देखिए हमने सिलाई कर लिया। और फिर हमने जो वाइट वाला पीसेस को लिया था दोनों को आपस में मिला लेंगे और हम सिलाई कर लेंगे। एक साइड हम रेड के साइड हम वाइट वाला रख लेंगे और फिर सिलाई करेंगे इस साइड, और इस साइड हम ग्रीन के साइड रखेंगे। वाइट वाला पीसेस जो हमारा था उसको भी हम इसी तरीके से सिलाई करेंगे। तो जो हमारा ये दूसरा पीसेस है उसको भी सेम इसी तरीके से सिलाई करना है। तो देखिए ये हमने सेम ही दोनों पट्टी को सिलाई किया है, तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए दोनों को आपस में मिलाते हुए हम सिलाई करेंगे। तो इस साइड भी हमारा जो जिस साइड हमारा रेड वाला है उस साइड रेड रहेगा, और जिस साइड ग्रीन वाला है उस साइड ग्रीन रहेगा। अच्छे तरीके से हम बराबर करते हुए सिलाई करेंगे। सिलाई करते समय जल्दबाजी नहीं करेंगे, इससे क्या होगा कि जो हमारा डिज़ाइन बनेगा वो अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ नहीं बनेगा। तो देखिए हमने इस साइड आराम आराम से कर सिलाई कर रहे हैं। तो देखिए एक साइड हमने सिलाई कर लिया है इसको, और दूसरे साइड भी हम सेम इसी तरीके से सिलाई करेंगे। इसको भी हम जिस साइड हमारा रेड वाला है उसको रेड साइड रखकर सिलाई करेंगे, और जिस साइड हमारा ग्रीन वाला है उस साइड हम ग्रीन को रखकर सिलाई करेंगे। आराम आराम सिलाई करेंगे कि जो हमारा सिलाई है सिलाई पर ही रहे। एक ही बात हम आप लोग को दो बार तीन बार बता देते हैं कि अच्छे तरीके से आप लोग के समझ में आ जाए। और जब लोग आप लोग हमारा ही डिज़ाइन बनाकर व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेजते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग हमसे कुछ सीख रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो डिज़ाइन है बनकर कम्प्लीट हुआ है। आई होप आप लोग के समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इस तरीके से पीसेस को बना लें, और फिर ब्लैक का पट्टी 2 इंच या 2.5 इंच अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर से देख सकते हैं एक एक कर जॉइंट। तो देखिए ये डिज़ाइन इसी तरीके से बनकर कंप्लीट होगा, तो कितना प्यारा लग रहा है। आप इससे डबल बेड का या सिंगल बेड का कुछ भी बना सकते हैं। तो कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, हमारे पास इसी कलर का ऑर्डर आया था तो हमने इसी तरीके से बनाया है। आप बना सकते हैं, बनाना बहुत ही आसान है। हमने स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बनाकर बता दिया है। अगर आप लोग हमसे बनवाना या मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आई होप आप लोग को डिज़ाइन पसंद आया, और अगर आप लोग को डिज़ाइन पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक हो सके और इसी तरीके से आप लोग देख सकें नई नई वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।